जन सरोकार मंच का हार्दिक हार्दिक आभार शुक्रिया, और खास तौर पे देवेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। मेरे सद्य प्रकाशित संग्रह बचने ही चाहिए बच्चे, जो न्यू वर्ल्ड प्रकाशन दिल्ली ने इसे प्रकाशित किया है। दरअसल इस संग्रह की तमाम कविताएं मैंने बच्चों पर केंद्रित रखी है, या कह सकते हैं कि इस कविता में, इस संग्रह की कविताओं में बच्चे केंद्र में हैं और उनके आसपास ही ये कविताएं रची हुई हैं। तो इस काव्य संग्रह से मैं कुछ कविताएं जन सरोकार मंच के श्रोताओं दर्शकों के लिए यहाँ पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले शीर्षक है बच्चे। जाहिर है बच्चे शीर्षक से इस संग्रह में बहुत सारी कविताएं हैं, तकरीबन 100 से अधिक कविताएं मैंने इसमें संग्रहित की हैं और सभी कहीं ना कहीं उसमें बच्चे हैं। तो पहली कविता है बच्चे। सोचता हूँ जब कभी देखता हूँ उन बच्चों को, क्या सोचते होंगे वे मेरे बारे में। सोचता हूँ जब कभी देखता हूँ उन बच्चों को, क्या सोचते होंगे वे मेरे बारे में। मैंने जब भी देखा उन्हें मुस्कुराकर, वे भी बस मुस्कुरा दिए। जब कभी भी हाथ हिलाया बच्चों ने भी, मैंने देखा गुस्से से आंखें तरेर कर, वे देखने लगे मेमने की तरह। मैंने देखा गुस्से से आंखें तरेर कर, वे देखने लगे मेमने की तरह। दूसरी कविता है अम्मा के हिस्से का दूध। ये मेरे खास मित्र पीयूष दुबे के लिए मैंने ये कविता लिखी। दरअसल ये उनकी मम्मी, उनकी माता जी भी इस कविता में कहीं ना कहीं है और इसीलिए मेरे लिए जहन को बहुत करीब। शीर्षक है अम्मा के हिस्से का दूध। मेरे गांव में भैंस ने बच्चा जना है, सुना है भैंस के बच्चे से बेहद प्यार करती है अम्मा, अक्सर झगड़ लेती है पिता से, अक्सर झगड़ लेती है पिता से कि भैंस के बच्चे को मिलना ही चाहिए उसके हिस्से का दूध। याद है मुझे जब तक रहा मैं गांव में, मेरे ही हिस्से आता रहा अम्मा के हिस्से का दूध। याद है मुझे जब तक रहा मैं गांव में, मेरे ही हिस्से आता रहा अम्मा के हिस्से का दूध। अगली कविता है चुप। पिता के पिता ने कहा पिता से, पिता के पिता ने कहा पिता से चुप। दुबक गए पिता किताबों की अलमारी के पीछे। पिता ने मुझसे कहा चुप। मैंने दरवाजा खोला, बाहर निकल गया घर से और बाहर ही रहा खाने के वक्त तक, घूमता रहा इधर उधर बेमतलब। मैंने बेटी से कहा चुप, उसने पलट कर जवाब दिया। मैंने बेटी से कहा चुप, उसने पलट कर जवाब दिया। और अगली कविता बच्चे कक्षा प्रेत। बच्चे कक्षा प्रेत के। बच्चे कक्षा प्रेप के जैसे कुम्हार की चाक पर रखे मिट्टी के लौंदे, कोमल उनके गाल जैसे बारिश की नन्ही बूंदे, गुलाब की पंखुड़ियों को हाले से छूले। बच्चे कक्षा प्रेप के उछल कर जैसे अम्मा की गोद से और फिसल कर पिता की पीठ से दौड़े स्कूल की ओर, नन्हे नन्हे कदमों से जैसे नापते हो धरती का ओर छोर। पहुंचकर कक्षा में अपने मैडम को देखकर आंखें चमक ऐसे, पहुंचकर
कक्षा में अपने मैडम को देखकर आंखें चमके ऐसे, आंचल में मैडम के सितारे टके हो जैसे। बच्चे कक्षा प्रेप के जैसे ईसा, अल्लाह और देवताओं के दूत, जैसे अटखेलिया करती परियां, जैसे अनगिनत तारे हो जमीन पर, जैसे पहाड़ों पर उतरे हो अनगिनत चांद, बतियाते झूलते हिंडोलों पर जैसे किरणें सूरज के, शाखों में लटके पत्तों संग हरे भरे खेल रहे हो लुका छिपी। बच्चे कक्षा प्रेप के दौड़ रहे हैं दूब घास पर, जैसे नन्हे नन्हे पैरों की छाप कह रही हो हमसे, हम बड़ों से क्यों लड़ते हो भाई आपस में, सीखते नहीं हो क्यों तुम अपने बच्चों से, क्यों लड़ते हो भाई आपस में, सीखते नहीं हो क्यों तुम हम बच्चों से, क्यों बचपन को अपने यूं भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो तुम कि जीवन एक दरिया है और बचपन बहता पानी, आओ मिलकर संजोए बचपन को जीवन मौजों की रमानी, आओ मिलकर संजोए बचपन को जीवन मौजों की रवानी। और अगली कविता पलाश। दिनों बाद निकला सूरज, मोहल्ले के बच्चों ने मोहल्ले की सड़क पर लगाई दौड़, तिलकते हुए बच्चों को सड़क किनारे मिले दो झंडे, एक बच्चे ने उठाया पंजा, कहा जोर से इस बार पंजा छाप पंजा छाप, दूसरे ने उठाया दूसरा झंडा, चिल्लाया जोर से देखना कमल जीतेगा जीतेगा कमल, मेरे पिताजी कहते हैं इस बार भी कमल खिलेगा कमल खिलेगा, कमल पंजा पंजा कमल, चीखते चिल्लाते बच्चों ने लगाई दौड़, पंजे की जीत हुई और हारा कमल, या इसके उलट, शोर में गुम हो गया सब कुछ, धूप कुछ और खिल गई, मैंने देखा चुनाव के दुश्वार मौसम में मोहल्ले के आखिरी छोर में खड़ा पेड़ हुए लाल फूलों से भरा पड़ा था, जरा देर से समझ आया मुझे बच्चों के लिए यह चुनाव का मौसम नहीं पलाश के खिलने का मौसम, जरा देर से समझ आया मुझे कि बच्चों के लिए यह चुनाव का मौसम नहीं पलाश के खिलने का मौसम। एक और कविता, और ये भी दरअसल बच्चे शिष्य की कविताओं में ही एक जुड़ी हुई एक और कविता, एक और कड़ी कि घंटी बजी स्कूल की छुट्टी हुई, घंटी बजी स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे दौड़ रहे हैं बीच समंदर में जैसे लहरें आ रही और जा रही हैं, बच्चे होड़ कर रहे हैं पकड़ने को बस जल्द से जल्द, कुछ को सीट पाने की जल्दी है, कुछ यूं ही शोर मचा रहे हैं, और जिनके घर पास हैं वे लौट रहे हैं घरों की ओर पैदल, आहिस्ते आहिस्ते जैसे लौट रहे हो परिंदे, थोड़े थके थके से जैसे लौट रही हो गायें, सुनहली धूप में हल्की हल्की धूप उड़ाती हुई, बच्चों के जूते धूल में लिथड़े हैं, बच्चों के जूते धूल में लिथड़े हैं, खुले हुए हैं फीते, पालर पर गर्द और पसीने की मिली जुली काली पीली धारियां पड़ गई हैं, कुछ बच्चे विकर्ण पर चल रहे हैं, इन बच्चों को पाइथागोरस के बारे में पता नहीं, फिर भी झाड़ झंकार को किनारे करते सूखी पत्तियों पर चलने से उत्पन्न चर चर की आवाज सुनते, छोटे मोटे छोटे छोटे पत्थरों को लात मारते परे धकेलते, बच्चे दौड़ रहे हैं बच्चे लौट रहे हैं स्कूल से, सड़क पर रेला है सड़क पर रेला है मेला है जैसे किनारों पर, चाट खोमचे वाले हैं बीच उनके एक बुढ़िया है,
जमीन पर बैठी हुई टोकनी में कुछ धरे हुई शायद सीताफल या पके थोड़े पुराने से अमरूद या कुछ चाट खोंचे हुए हैं। बीच उनके एक बुढ़िया है, जमीन पर बैठी हुई टोकनी में कुछ धरे हुए शायद सीताफल या पके थोड़े पुराने से अमरूद या कुछ और खारा मीठा। खुश है बच्चे की कल रविवार है, परसों सोमवार। खुश है बच्चे की कल रविवार है, परसों सोमवार, फिर मंगल महीने है, तो बच्चों के लिए आधा स्कूल आधी छुट्टी है। आज बुधवार है, सुबह सुबह बच्चे इकट्ठे हैं स्कूल के मैदान में, जैसे बाग ताज़ा फूल खिले हैं। आज बुधवार है, सुबह सुबह बच्चे इकट्ठे हैं स्कूल के मैदान में, जैसे बाग में ताज़ा फूल खिले हैं, जैसे अमरूद के पेड़ कच्चे पके अमरूदों से लदे हैं, जैसे अमरूद के पेड़ कच्चे पके अमरूदों से लदे। और एक छोटी सी कविता, शीर्षक है कराची में बच्चे। बच्चे थामे हुए हैं बल्ला और जोर लगा रहे हैं गेंद पर, मार रहे हैं दनादन शॉट पर शॉट। बच्चे थामे हुए हैं बल्ला और जोर लगा रहे हैं गेंद पर, मार रहे हैं दनादन शॉट पर शॉट। बेनजीर की हत्या के खौफ से बेखौफ, सरहदों पर सैनिकों के जमावड़े से अनजान, कराची की सड़कों पर गलियों में चौराहों और नुक्कड़ों में बच्चे भांज रहे हैं बल्ला। उछल रही है गेंद यहां से वहां, वहां से यहां, कभी बज बजाती नाली में तो कभी चार दीवारी के पास। उछल रही है गेंद यहां से वहां, वहां से यहां, बज बजाती नाली में कभी, बज बजाती नाली में तो कभी चार दीवारी के पार, तो कभी चार दीवारी के पार। अगली कविता का शीर्षक है हामिद। दुनिया में जाने कितने हामिद हैं, जिनके सर पर माँ बाप का साया नहीं और जिनके घरों की छत हामिद जितनी या उससे भी नीची है, जिनकी दादियों की चिंता करने वालों में जिंदा है केवल हामिद है। जाने कितने हामिद हैं जिनके बड़े हाथों में किताबें नहीं, भीख के लिए मुड़ी तुड़ी थाली या कटोरा है। जाने कितने हामिद हैं जो मंदिरों मस्जिदों में झाड़ू लगा रहे हैं, जो पुरोहितों मौलवियों के पैर दबा रहे हैं। कुछ हामिद ऐसे भी हैं जिनके हाथों में पत्थर थमा दिए गए हैं और जो भीड़ पर निशाना साध रहे हैं। कई हामिद हैं जो मानव बम हैं, उनकी पीठ और पेट पर बम बंधे हैं। कुछ अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं। हामिदों का हामिदों से जंग जारी है, हामिदों का हामिदों से जंग जारी है, हामिदों की परवाह किसे है, हामिदों की परवाह किसे है। अगली कविता का शीर्षक है गजा के बच्चे। वर्षों पहले टीवी पर एक विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में एक विवाहित जोड़े ने अपने लिए नर्म गोश्त ऑर्डर किया। बदले में वेटर एक जिंदा मेमना गोद में उठा लाता है। जाहिर है पति पत्नी दोनों के पास जिंदा मेमने को पकाकर लाने को कहने का कलेजा नहीं था। इधर गजा में और दुनिया भर के कई शहरों में और देशों में बच्चे मर रहे हैं या मारे जा रहे हैं। शरीर जिनके क्या कम नाजुक है गर्म मेमनों से, शरीर जिनके क्या कम नाजुक और गर्म है मेमनों से, बच्चे मनुष्यों के। उधर दुनिया के बादशाह कबूतर उड़ा रहे हैं, उधर दुनिया के बादशाह कबूतर उड़ा रहे हैं। इसी शीर्षक से एक और कविता कि कवियत्री ने कहा
बच्चे पानी होते हैं, पानी की तरह तरल, पानी की तरह पारदर्शी, और पानी पानी सबसे ज़रूरी है धरती पर जीवन के लिए। यहाँ तक कि जानते हैं बच्चे भी, धरती हो या चांद, पानी नहीं तो जीवन नहीं। माँ के गर्भ से बाहर की दुनिया तक ज़रूरी है पानी बच्चे के लिए, वैसे ही जैसे ज़रूरी है पानी के लिए बच्चे। बच्चे नंग धड़ंग पेड़ की डगाल के अंतिम छोर से कूदते सीधे पानी में, छई छपाक छई खेलते और चलाते पानी पर कागज़ की नाव। पानी ही तो है बच्चे, क्या पानी नहीं गजा के बच्चे? पानी ही तो है बच्चे, क्या पानी नहीं गजा के बच्चे? कहीं गजा पानी के बगैर जीवन की कल्पना करने वाले लोगों की प्रयोगशाला तो नहीं? कहीं गजा पानी के बगैर जीवन की कल्पना करने वाले लोगों की प्रयोगशाला तो नहीं? और अंत में दो छोटी छोटी कविताएं कक्षा पहली के बच्चे। आपने सुना कभी किसी हिटलर को कहते, सुंदर है यह धरती, आओ इसे और सुंदर बनाएं? कक्षा पहली के बच्चे ऐसा हर रोज कहते हैं कि सुंदर है यह धरती, आओ इसे और सुंदर बनाएं। और आखिर में कक्षा पहली के बच्चे के शीर्षक से ही कि पहली कक्षा के बच्चे जैसे मछली घर में मछलियां, नाम जिनके अनेक अनेक आकृतियां, हरकतें अनेक, कुछ मूर्ति मूर्ति जैसे बिजलियां, कुछ शांत धीर गंभीर, कुछ शांत धीर गंभीर, खिसकती आहिस्ते बहुत आहिस्ते, आहिस्ते से जैसे कान में कहती कुछ अपनी सहेली से, बाहर चले बाहर, बाहर मछली घर की चार दीवारी से, खुले आसमान के नीचे बहती नदी हो जहां, या समुद्र कोई खुला, जैसे पहली कक्षा के बच्चे भींग रहे बारिश में, या बारिश की बूंदों को ले हथेलियों में घूम रहे गोल गोल, घोर घोर रानी इतना इतना पानी, ऐसी ही कोई जगह जहां बच्चे पहली कक्षा के पहने पहने ही जूते, या पकड़े हाथों में खाली पैरों से उछलते एक ब एक और करते हैं छई छपाक छई। स्कूल के बीचों बीच जहां बच्चों की तरह नन्हे से मासूम गड्ढे में भरा हो जरा सा पानी, और बच्चे खिलखिला रहे हों संग संग पानी भी, जाना चाहती हैं मछलियां ऐसी ही कोई जगह, जाना चाहती हैं मछलियां ऐसी ही कोई जगह। शुक्रिया।